हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप। स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए फ्रेश ब्लॉग में। सो देखते हैं अभी हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। अभी हमारे घर में लाइट नहीं है और ये साहू जी इधर बैठ के वीडियो एडिट कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं अंदर क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज कॉल्ड कुंदरू। इससे बुद्धि नाश होता है। कुंदरू की सब्जी बन रही है मित्रों। ये पालक भाजी बनने वाली मित्रों आज हमारे घर में। अभिवेता जी हमारे देखिए मित्रों कैसे गुस्सा कर रहे हैं, देखो और मन ही मन हंस रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज गए 11:12। हमारा हो गया नहाना धोना, सब चीज हो चुका है। अब हम अभी जाते हैं खाना खाने के लिए। ये पता नहीं क्या बने हैं, आटा से इतना मोटा रोटी बनाया गया है। पूड़ा है कि पूड़ी है पता नहीं। और ये मिर्ची भजिया है, इसको खा करना पता नहीं एकदम तन बदन में आग लग जाएगी, इतना तीखा है ये मिर्ची। और ये मम्मी ने मिर्ची का अचार डाल दिए, मिर्ची को उसमें नमक करके नींबू डाल दिए। इससे मिर्ची जब गलेगा ना तो बहुत टेस्टी लगेगा ये खाने के साथ। अच्छा वाला शायरी सुनाएंगे। हाँ तो मित्र एक शायरी सुना दीजिए। सकाल की तरह मत देखो तुम, जूता लेके तो बहुत खुश हो रहे हो। वही जूता तुम्हारे मुंह में भी नहीं मित्र, ऐसे ही हरकत मत करिएगा। चलिए एक शायरी सुनाइए। तेरे हुस्न की मैं क्या दाद दूँ। बस बस मित्र सुना देते हैं। तेरे हुस्न की मैं क्या दाद दूँ। बस मटका जी, हमको शायरी नहीं सुननी है। तेरे हुस्न की मैं क्या दाद दूँ। तेरे हुस्न की मैं क्या दाद दूँ। सो गाइस एंड गर्ल्स, ये हमारे मित्र अपनी शायरी खत्म कर चुके हैं। आप ध्यान मत दीजिएगा इस वाहियात शायरियों पे। ये रोज रोज पता नहीं कहाँ से केक ले आता है। देखिए लाइट में दिखाइए अपने को, लाइट नहीं मित्रों आज हमारे यहाँ पर। ये केक कौन सा केक है मित्र? दिस इज चॉकलेट, एकदम जबरदस्त क्रंच वाला। कैसे एकदम किनारे में कोने में छिप के ऐसे चॉकलेट केक खा रही। ये मैं खाऊंगी। नहीं नहीं ये प्लीज भाग यहां से। प्लीज प्लीज मित्र, मैं वाला नहीं खाई हूं। दो है ना तो एक दे, तो एक दे उठा, पहले उसको उठा, एक दे मेरे को पहले उठा। देखिए कैसे हरकत, आप खा ले उसको। एक बार वो दिया ना, थैंक यू दोस्त। ये देखिए हमारा मिर्ची भजिया। इस मिर्ची भजिया को खा के मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो चुका है और पूरे पेट में आग लग गई है। इस मिर्ची भजिया को खा के मित्रों मैं 60 जन्मों तक मिर्ची भजिया खाना भूल जाऊंगी। तेरे हुस्न की मैं क्या दाद दूँ। जी यार भागो पापा, ये मिर्ची भजिया खा के कैसा लग रहा है पापा आपको बताओ। पापा हट हट, मैं नहीं खा रहा। तेरे हुस्न की मैं क्या दाद दूँ। नहीं मित्र सनी, मुझको खाना नहीं है तो देखना नहीं तुम्हारे। कैसा लगा ये खाना खा के पूछ रही हूँ। मैं नहीं खाया। तो दो शब्द कह दीजिए। हाँ आपको बहुत याद करते हैं आपके फैन लोग, मतलब हमारे मित्रगण लोग आपको बहुत याद करते हैं, तो आप दो शब्द कह दीजिए। जब मिर्ची भजिया खा तू। देखिए मित्र हमारा पति तो कर दिया हमारे पिताजी। तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाओ चॉकलेट खा के। अरे उसने की मैं क्या दाद दूँ। नहीं कुछ मत दान दे मित्र। ओ टकलू मित्र, ओ टकलू मित्र, वेयर आर यू गोइंग। ओए काम धंधा वाले आदमी हैं, ठीक है, नल्ले नहीं बैठे रहते हैं। ओ माय गॉड, कुछ कहना चाहेंगे? तेरे हुस्न की मैं क्या दाद दूँ। लौट कहाँ जा रहे हो मम्मी? प्लीज मैं आप गेट खोलिए। चलो एक बार बोलो ना, एक बार एक बार कुछ बोल दो ना। बोलो ना। जानू मौन धारण कर लेते हो ऐसे समय, तो बहुत फटफट बोलते हो। घूमेल जाता हूँ हमार भाची घर बैठे बच्चा। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मतलब हम मतलब मैं
अपने धन्नों के साथ साइकिलिंग करने के लिए। धन्नो मेरी साइकिल का नाम रखी हूँ मैंने, और चलिए आपको भी लेकर के चलते हैं, आगे दिखाते हैं क्या सीन होने वाला है। ये है हमारी साइकिल और इसमें हम जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। इसको मित्रों एक दिन में एक बार बाहर निकालना ज़रूरी होता है नहीं तो ये रोने लगता है, मुझे क्यों नहीं घुमाए। चलिए आपको दिखाते हैं बाहर का सीन कैसा होता है। ये एक साइड नई साइड चल रही हूँ, उसके अपोजिट साइड तालाब है, विवेकानंद सरोवर के नाम से जानते हैं आजकल लोग इसको। और उधर का व्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो तालाब है ना उसके साइड मेरा स्कूल है, दो स्कूल है, एक सप्रे और एक दानी। सप्रे स्कूल मेरा नहीं है मित्रों मैं दानी में पढ़ी थी तो वो दानी स्कूल है, आपको दिखाते हैं। चलिए मैं आपको मोड़ के दिखाती हूँ नज़ारा। गाइस ये विवेकानंद सरोवर का एंट्रेंस आप देख सकते हैं। भैया बंद है क्या? बंद है क्या गार्डन? खुला है? अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए आपको साइड व्यूज दिखाते हैं इसका। सो गाइस मैं ऐसे नीचे साइकिल चलाते जा रही हूँ अपोजिट साइड पे, और ये हमारा स्टेडियम है उस पार। देखिए स्टेडियम हमारे एक साइड है तालाब, मैं तालाब का सीन दिखाती हूँ आपको। साइकिल मैंने स्टैंड कर दी है और देखिए आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ का, बहुत ही बेहतरीन व्यू होने वाला है यहाँ पर। देखिए वो जो है वहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है, यहाँ पे बोट का भी आनंद ले सकते हैं आप। अंदर तो नहीं गई, किसी दिन मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाऊंगी कि यहाँ पर का व्यू कैसा होने वाला है। इसके एक साइड जो था वो ही हमारे स्कूल था दानी गर्ल्स, मैं वहीं से पढ़ी हुई हूँ। और यहाँ पर जो फाउंटेन है मित्रों ये भारत का सबसे बड़ा फाउंटेन लगा हुआ है, और आसमान में जो पंछी उड़ रहे हैं ना उनको देखते ही एकदम मन बाग बाग हो जा रहा है मेरा। चलिए फिर दोस्तों चलते हैं वापस, वापसी करते हैं अपनी इस धन्नों के साथ। उसके पहले मैं फ़ोन लगा के पूछ लेती हूँ भाई कहाँ है। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ साइकिल चलाते हुए अपनी दीदी के यहाँ पर, तो चलिए अंदर चलकर दिखाते हैं कैसा सीन होगा। तो हम आ चुके हैं अपनी दीदी के यहाँ पर। दीदी हाय बोलो सबको। हाय और ये हमारी मम्मी जी, ये हमारी फेवरेट बुआ। अच्छा जय राम जी की बुआ। जय राम जी, राम 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 राम। कैसे हो आप? बहुत अच्छी ठीक है। और अरे बाप रे इतना सारा नाश्ता पानी, देखिए गाइस अभी तो आखिरी हो गया नाश्ता। इसके आजू बाजू अभी खुदाई चल रहा है, बाउंड्री वॉल होगा शायद यहाँ पर। और वो देखिए आप लोग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता हुआ यहाँ पर। और मैं जा रही हूँ अपने धन्नों पे। हाँ हमारे टकलू मुंडू भाई साहब इस तरह से पड़े हुए हैं जमीन पर, और देखिए पैरदान की जस्ट बाजू में लेट गया है ये। मैं तेरा जल्दी उठिए ना, छाती में दर्द हो रहा है मित्र। हमको एक क्वेश्चन पूछना था बताएं। जो हम कैमरा यूज कर रहे हैं ना, हाँ। वो कौन सा कैमरा है हमसे ना एक मित्र ने पूछा था, तो हमको समझ नहीं आया तो हम क्या बोले, ऐसा हो गया था। मैं निःशब्द हो चुका हूँ मित्र, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं ये मैंने क्या कर दिया, मतलब मैंने किसको कैमरा दे दिया मित्रों।